इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो टेन में क्या बोल रहा है कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देर इज अ वर्टिकल टार, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि विथ अ फ्लैग पोल, अब बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल टार है, उसके ऊपर एक क्या है, एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है, फ्लैग पोल, फ्लैग पोल क्या है उसके ऊपर रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ द टार, और टार के टॉप पर क्या बोल रहा है, उस टार के टॉप पर जो है एक पोल रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बोल रहा है कि टावर के 9 मीटर दूरी से, यानी कि ये जो यहाँ से है यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया हमें, ये दिया है 9 मीटर, 9 मीटर दूरी पर क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60° एंड 30°। बोल रहा है कि ये जो फ्लैग पोल है इसका टॉप और बॉटम दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो टॉप को देख रहा है तो 60° हो रहा है, बॉटम को देख रहा है तो 30° हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड द फ्लैग पोल, इस टार का हाइट क्या होगा ये निकालना है, और ये फ्लैग पोल है इसका हाइट क्या होगा ये निकालना है। तो देखो, तो मैंने फ्लैग पोल का हाइट को एक्स मान लिया है और टार के हाइट को मैंने वाई मान लिया है, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 9 गिवन है, तो दोनों मुझे निकालना है, कैसे निकालें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला एक ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि ए बी, इसका नाम अगर मैं डी डाल देता हूँ यहाँ पर, तो हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, ठीक है ना। तो आ जाओ इस ट्रायंगल में देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी 90° एट बी पर है। तो देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 30° इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। 10 30 का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1/√3 ये होता है ना, इज इक्वल टू बी डी, बी डी हमें क्या है वाई मैंने माना है तो वाई करते हैं, ए बी जो है 9 दिया है तो उसको 9 कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 9/√3, ठीक है। फर्दर इसको रेशनलाइज कर लो, अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 3 हो जाएगा तो अपॉन 3। अब देखो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 3 9 है ना, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3√3। तो यानी कि अगर इसको हम पॉइंट में निकालें तो देखो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्दर, चलो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि √3 को 3 रहने दो, और √3 का वैल्यू बोला है लो आप 1.732। तो चलिए अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा फाइनली निकल जाएगा 3 × 6 3 × 9 7 21 के एक हाथ में रहा दो ना, 3 × 3 2 5, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो 5.196 मीटर, ये y था, यानी कि टार का जो हाइट है ये आ गया हमें। अब इसके बाद लिख देना कि हैंस द हाइट ऑफ द टार इज 5.196, ये आप कर लेना। देन उसके बाद हमें क्या बोला है निकालने के लिए, कि ये फ्लैग पोल है ना, ये इसका हाइट क्या होगा, तो ये एक्स है। चलिए काम करते हैं, हम लोग ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, इस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90° एट बी पर है, तो 10 60° इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हो गया हमारा ए बी, 10 60 का वैल्यू पुट कर दो, तो 10 60 कितना होता है हमारा, तो ये होता है √3। चलिए ये √3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू बी सी, बी सी हमें 9 दिया है, तो चलो ये हो गया, सॉरी बी सी, बी सी हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, तो चलो यहाँ पे मैं बी सी की जगह पर एक्स प्लस वाई कर देता हूँ अपॉन ए बी, ए बी हमारा 9 है तो ये कर दिया 9, ठीक है। चलिए फर्दर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9√3। वाई का वैल्यू देखो तो कितना आया था हमारा, वाई का वैल्यू आया था कि 3√3, है ना। जब ये 3√3 में यहाँ पुट कर दूंगा और ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू हमें कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा कि 9√3 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये वाई का वैल्यू आया 3√3, तो वो माइनस में हो जाएगा 3√3,
चलिए तो यहाँ से जो है हम लोग x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 6√3। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, फर्दर रूट थ्री का वैल्यू आप पुट कर दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 × 1.732। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो 6 × 2 = 2 हाथ में रहा 1, 3 × 6 = 18, 18 × 19 = 9 हाथ में रहा 1, 7 × 6 = 42, 1 × 43 हाथ में रहा 4, और उसके 6 × 6 = 10। यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो यही आ गया कि x इज इक्वल टू आ गया कितना, 10.392 मीटर। तो ये हमारा हाइट ऑफ द पोल आ गया। तो उसके बाद आप लिख देना कि हैंस द हाइट ऑफ द पोल फ्लैग पोल इज़ व्हाट, 10.392 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।